अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे अपना मेकअप शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है। अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप चलकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इससे क्या होगा कि मेरा भला होगा और अल्लाह आपका भी भला करेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी पोनियाँ और यहाँ पर अपनी पिंस और कैचर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरे पास एक बास्केट है, ये लोकल मार्केट से ही मैंने ली थी। तो इसमें मैंने अपने सारे कैचेस वगैरह रखे हैं ताकि जब चाहिए हो तो आसानी से मिल जाए, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। क्योंकि बाज़ोकात जब हम कोई चीज़ चाहिए होती है और हम उसको ढूंढ रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिल रही होती, तो ऐसे ही होता है। इसलिए इससे अच्छा है कि हम अपनी सारी चीज़ों को पहले ही उनकी ठीक जगह पर रखें ताकि बाद में हमें आसानी हो। ये मेरे पास ब्रशेज हैं, इनको मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। सकते हैं ये सारे ब्रशेज हैं, मैं ये इनको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। देखिए ये सारे ब्रशेज हैं मेरे पास। ये मेरे पास जो है, ये है मेरे पास हुदा ब्यूटी की। देखिए ये हुदा ब्यूटी की है, वाटर प्रूफ लिपस्टिक्स। और ये मेरे पास एक काजल है मिस रोज़ का, आपको नज़र आ रहा होगा ये मिस रोज़ का है। देखिए ये बहुत ही अच्छा आइकॉनिक काजल है। ये मेरे पास एक आईलाइनर है जो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये मेड इन चाइना का है और ये वाटरप्रूफ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इसके अंदर कैरी करके रखी हुई है। ये मैंने दराज से ऑनलाइन बाई की थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर दे सकते हैं। ये इसकी मुझे प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन ये मुझे 12 पीस आए थे और ये बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ जो इसमें से मैंने यूज़ की हुई है। ये इनके कलर बहुत ही अमेजिंग है इनके कलर। इनमें से कुछ तो अभी मैंने खोली भी नहीं है, जो खोली है वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए एक ये रेड कलर है, इसके अलावा ये एक छोटा सा बॉक्स है मेरा, इसमें भी मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स को रखा हुआ है, लिपस्टिक्स और कंसीलर वगैरह जो जो चीज़ें इसमें आ सकती थी मैंने उन सारी चीज़ों को इसमें रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली लिपस्टिक्स, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, लेकिन इसका ये मिस्ताज की है, आपको दिख रहा होगा। और इसका लिप कलर 12 है और ये डार्क शेड में है। ये देखिए, और ये मुझे शेड बहुत ही ज़्यादा इसका पसंद है, मेरे पास ये शेड में है। ये देखें एक ये है मेरे पास, इसके अलावा एक ये है जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, ये मिस रोज की है और ये है नंबर 49 और इसका कलर आप देख सकते हैं, ये मेरी फेवरेट है। नॉर्मली अगर जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो यही है।
अच्छा जी, इसके अलावा ये है मस्कारा, ये मेरे पास मस्कारा है। ये वाला जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये रिवाज यूके का है, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। और इसके अलावा एक ये है ग्रेट लैश, ये मेरे पास है मैबेलिन का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मस्कारा है। अगर ये आप अपनी आई लैशेज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके आई लैशेज पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है कि आपके आई लैशेज बहुत ही ज़्यादा हैवी हैवी फील होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, वॉल्यूम काफ़ी आ जाता है और ये बहुत अमेजिंग है, ये मेरा फेवरेट है। इसके अलावा एक मेरे पास ये लिपस्टिक है, ये भी सॉफ्ट लिपस्टिक है मेरे पास ये, और ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ये, और इसका कलर भी बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा ये मेरे पास वो है कंसीलर, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इतने कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने इसको लेके रखा हुआ है। ये ऑयल फ्री है और ये मिस रोज़ का लिक्विड कंसीलर है और इसका शेड एवरी दिख रहा होगा आपको, इसके अलावा ये जो है ये स्टिक है, इसको मैंने अभी तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ये मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन बाय किया दराज से, ये मुझे अच्छी लगी थी इस वजह से मैंने इसको बाय कर लिया, लेकिन इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये टू साइडेड है, एक साइडेड कंसीलर का काम करेगी और दूसरी साइड पर कंटोरिंग का काम करेगी। इसकी मुझे यही सबसे अच्छी बात लगी थी कि ये टू साइडेड है, यानी कि एक चीज़ में दो चीज़ों का काम दे रही है, इसलिए मैंने इसको दराज से ऑनलाइन बाय किया था। और इसलिए वाटर प्रूफ है और इसमें SPF 30 है और ये डर्माकोल के, इस ब्रांड से तो आप सब वाकिफ होंगे ही, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको ये चाहिए तो आप वहाँ मेरे लिंक पे से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाली जो लिपस्टिक है मेरे पास, ये क्रिस्टाइन की हैं, ये लाइट कलर है, ये कलर भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास क्रिस्टाइन की एक और लिपस्टिक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्रिस्टाइन की ऑरेंज शेड में, ये भी बहुत अच्छा शेड लगता है मुझे इसका, ये देखिए ये भी क्रिस्टाइन की है, थोड़ा सा मिट गया होगा इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन ये देखिए आई होप सो कि आपको सही नज़र आ रहा हो जी। तो अब आपको एक ये बॉक्स दिख रहा होगा, मुझे रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे रिंग्स के, इस तरह के दो डब्बे पड़े हुए हैं मेरे पास, एक डब्बा जो कि मुझे अभी नहीं मिला तो इसलिए वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन ये वाला मुझे मिला तो मैंने कहा चले आपको मैं ये दिखा देती हूँ, इसमें सारी रिंग्स हैं, ये देख सकते हैं आप जो मेरे ड्रेस के साथ जा रही होती है तो मैं पहन लेती हूँ, मुझे रिंग्स बहुत अच्छी लगती है। और इसमें सबसे जो ज़्यादा मुझे रिंग्स अच्छी लगती है वो ये वाली रिंग है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये वाली रिंग है। अब इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, इसमें ख़ास बात ये है कि ये टू साइडेड है, ये देखिए, या अगर मेरे ड्रेस में कोई रेड कलर का शेड आ रहा हो तो मैं फिर ये पहन लेती हूँ, इसकी ये ख़ास बात है और इसलिए मुझे प्यारी लगती है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज करी थी। इसके अलावा ये सारी रिंग्स हैं मेरी, जी तो यहाँ पर आप एक बॉक्स और देख रहे होंगे, ये मेरा नहीं है, ये मेरी बेटी का है,
ये आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है। वैसे आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें बैंड्स हैं, इसमें सारे उसके बैंड्स हैं, ये सारे बैंड्स हैं उसके, मैंने लेके रखे हुए हैं उसके लिए, उसके हर एक मैचिंग के ड्रेस के साथ, यानी कि जोन सा भी उसके ड्रेस के साथ चल रहा होता है तो सारे मैंने यहाँ लेके रखे हुए हैं। लेकिन वो पहनती नहीं है, वो कोई चीज़ सर पर टिकने नहीं देती, लेकिन मैंने भी वो कोई चीज़ सर पर टिकने नहीं देती। अगर कोई पिन लो या कोई बैंड लो तो कुछ भी उसने टिकने नहीं देना होता, लेकिन मैंने फिर भी उसके लिए बैंड लिया और पूरा डब्बा उसका बैंडों से भरा हुआ है। और मज़ीद उसके चाहे वो पहने ना पहने, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए लेती रहूँगी, क्योंकि कभी ना कभी तो चलो पहनेगी। ये देखिए, ये पूरा डब्बा मैंने उसका इस बैंडों से भरा हुआ है जी। तो ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें मेरी सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। जी तो सबसे पहले ये जो है ये हेयर स्प्रे है, ये एक सेट और रखा है मैंने एक्स्ट्रा लेके, जैसे अगर कभी उनमें से कुछ ब्रश ख़राब हो जाए या मिल ना रही हो तो ये एक और एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है पाउडर पफ। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, फाउंडेशन की बात कर लेते हैं अब हम। ये मेरे पास है लैक्मी 925, ये लिक्विड फाउंडेशन है, वाटर प्रूफ है, SPF 8। ये आप देख सकते हैं ये शीशे भी आधी हुई है, यानी कि ये एक साल और चल जाएगी। इसको लिए हुए एक साल तो हो चुका है और एक साल और चल जाएगी, क्योंकि ऐसे जो फाउंडेशन होते हैं किसी इवेंट्स वगैरह पर ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े हैवी बेसिस होते हैं, इसलिए किसी इवेंट्स वगैरह में ही बंदा यूज़ करता है, नॉर्मली तो इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अब एक मेरे पास ये क्रायलॉन की है पेंट स्टिक, इसका शेड एवरी है। जब हैवी बेस करनी हो तो ये बहुत सूटेबल रहती है। और एक और ही मेरे पास क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक है, और इसका शेड है FS 45। ये मेरे पास ब्लशन है, ये लोकल मार्केट से ही मैंने परचेज़ किया था। ये देखिए, इसके कलर बहुत अमेजिंग है, एक में आपको चारों कलर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी अभी बाय किया है, इसके अलावा जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वो ये है बेन टेंट, इसको मैंने दराज से ऑनलाइन बाय किया था। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है, ये बिल्कुल नेचुरल लुक, इसको लगाओ तो ऐसा कुछ भी लगता नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल लुक आती है इसको लगाने से। मैं आपको ये खोल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसमें होता है इस तरह का, इतना प्यारा सा, देखने में इसकी शक्ल इस तरह से लग रही है जैसे ये नेल पेंट हो। अंदर से भी देखिए आपको ये, मैं खोल कर दिखाती हूँ ओपन करके, देखिए आपको अंदर से भी ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये नेल पेंट है, लेकिन ये नेल पेंट नहीं है। ये देखिए, ये टेंट है। ये आप इसको आप अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चीक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें इससे बिल्कुल नेचुरल लुक आती है, बहुत ही अमेजिंग है। ये मेरे पास शाइनर है, और ये मेरे पास हाइलाइटर है, अच्छा जी। तो ये मेरे पास एक और ब्लशन किट है, इसको भी मैं, ये आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हुआ है, आपको दिख रहा होगा।
इसमें से जो मैं यूज़ करती हूँ जो मुझे फेवरेट है वो ये वाला है, और जो ये जो आपका इसका हाल दिख हुआ हुआ नज़र आ रहा है ये हाल मेरी बेटी ने किया है। वैसे तो ये सारी चीज़ें उसकी रील से दूर होती है, लेकिन जब कभी उसका मौका मिलता है या उसका हाथ में वो चीज़ आती है तो फिर वो ये हाल करती है। उसने इसको गिरा कर तोड़ दिया था, शुक्र है ये वाला बच गया जो मेरा फेवरेट था, नीचे वाला टूट गया। आप तो खैर समझ ही सकते होंगे, अगर आपके भी बच्चे हैं तो जब बच्चों के हाल में चीज़ जाती है तो फिर बच्चे यही हाल करते हैं। अच्छा जी, तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास हैंग फैंग की मिनी लिपस्टिक्स हैं, ये बहुत मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये देखे। और ये सारे वो कलर्स हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं। ये देखिए ना, इतनी छोटू सी है ये देखिए, और ये मैट लिपस्टिक है और इसको आप आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। और ये सारे ही कलर आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं। ये वाला मैं आपको कलर दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, ये ब्राउन, इसके बाद मैं आपको अभी ये किट दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही अमेजिंग किट है। ये देखिए, ये किस टच की है, देखिए इसमें सारे शेड्स हैं, मैट भी, ग्लिटरी भी हैं। देखिए ये भी मेरी बेटी के ही काम है। और ये लिपस्टिक्स हैं इसके नीचे, इसके अलावा ये है हुदा ब्यूटी का अल्ट्रा क्रीम पाउडर, ये 5-in-1 है। ये भी मैं खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए, और एक ये बॉक्स है, इसमें मैंने अपनी सारी पिन वगैरह रखी हैं जब कभी चाहिए हो तो आसानी से मिल सके जी। तो यही मेरी सिंपल सी मेकअप कलेक्शन थी, आई होप सो कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।